अब एमपी ये भी पूछ रहा है कि जब शिवराज जी दिल्ली जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने मंच से बड़ी तारीफ भी की आपकी, क्या भूमिका होगी? मंत्रिपरिषद में होंगे या मैं भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ? एक भूमिका मेरी पक्की है, वो है सांसद की। मैं सांसद के रूप में, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक आदर्श सांसद बनूं और सांसद के रूप में अपने क्षेत्र की जनता के लिए और देश की जनता के लिए भी कुछ योगदान दे पाऊँ। और दूसरा मेरा सपना है कि अपने क्षेत्र को, संसदीय क्षेत्र को आइडियल बनाऊँ, आदर्श बनाऊँ। अरे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, रामाशीष जी के बाद आप बने थे मेरे ख्याल से, भाजपा के उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष बनने का भी तो सपना हो सकता है? सपने में कभी नहीं देखता जी, संघ परिवार देखे, धरातल नहीं, कोई भी नहीं देखता, जो उनकी भी सम्मति रहती होगी ना। देखो हमारे यहाँ मैं क्या सोचूं, तू क्या सोच, ये विषय ही नहीं है। जब मैंने कहा कि देश के लिए भारतीय जनता पार्टी, तो देश के लिए काम करना है, तो पार्टी जहाँ उपयुक्त समझती है वहाँ काम देती है। और अभी मेरे पास है सांसद का उम्मीदवार हूँ, तो मुझे विदिशा से सांसद बनना है। मैं अब प्रत्याशी शिवराज जी के बजाय एक राजनीतिक कार्यकर्ता शिवराज जी से ये सवाल का जवाब चाहता हूँ। जब हम लोग देखते हैं तो विदिशा मॉडल क्या है, क्यों बीजेपी यहाँ इतनी मजबूत है, और जगहों पर भी है लेकिन यहाँ पे आप कभी नहीं हारे, जीत का हमेशा बहुत बड़ा मार्जिन रहा 1989 ऑनवर्ड्स, अटल जी यहाँ से लड़े, सुषमा स्वराज जी यहाँ से लड़ी, आप यहाँ से लड़े, ऐसा क्या है विदिशा में? विदिशा की जनता राष्ट्रवादी है, देश आगे बढ़े इसकी ललक जनता के मन में है, और प्रारंभ से ही वहाँ राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी है। लोग प्यार करते हैं, जनसंघ के साथ भी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लोग हैं। केवल 80 और 84 दो चुनाव विदिशा से कांग्रेस जीत पाई, भानु प्रताप जी जीते। हाँ, जो अभी आपके प्रतिद्वंदी। हाँ, प्रतिद्वंदी मैं नहीं मानता, मेरे भाई हैं वो, उनको भी ज्वाइन करवा रहे हैं क्या? नहीं, जैसे इंदौर को कराने की बात नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि काहे के प्रतिद्वंदी है, राजनीति में प्रतिद्वंदी थोड़ी विचारों की लड़ाई होती है। वो मित्र हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। अच्छा, एक और आपके मित्र हैं, छोटे भाई हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। जैसे वो इंदौर के कैंडिडेट कैलाश जी के पीछे फोटो आ गई, शामिल हो गए, जीतू पटवारी भी भाजपा में आ सकते हैं क्या? अब ये तो काल्पनिक सवाल है, इसका कोई चर्चा है भोपाल में, इसलिए मैंने पूछा। मेरे पास कोई चर्चा नहीं, ना मेरी कोई जानकारी। अच्छा, आपने, कई आपके समर्थकों ने कहा कि जब हम कांग्रेस का घोषणा पत्र देखते हैं तो उसमें शिवराज जी की स्कीम्स की छाप दिखती है, आपको भी ऐसा लगता है? कांग्रेस को कोई मतलब नहीं ना जनता से, अप्रेंटिसशिप स्कीम की बात, केवल सीखो कमाओ, केवल उन्होंने देखा ये पॉपुलर स्कीम है, इसको उठा लो, शायद राजनीतिक लाभ मिल जाए। तो वो अगर बात करते हैं तो केवल राजनीतिक लाभ के लिए बात करते हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं।